हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय ट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इंटेग्रा स्विच गियर कंपनी की डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। इस कंपनी की शेयर प्राइस मात्र 16.33 रुपये है और एक दिन में 2% का अपर सर्किट देखने को मिला। पिछले 5 दिन में 10% की रिटर्न, पिछले 1 महीनों में 93% की रिटर्न, पिछले 6 महीनों में 198% की रिटर्न, पिछले 1 साल में 228% की रिटर्न, 5 सालों में 261% के रिटर्न। मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 261% के रिटर्न दिए हैं। इस कंपनी की शुरुआत 30 अगस्त 2022 को हुई थी, तब इस कंपनी की शेयर प्राइस मात्र 4 रुपये थी। अभी यह स्टॉक ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना हो चुका है, यानी कैप पैसे की बात करें तो ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न दिया है और पैसा डबल से तिगना कर दिया है। तो क्या इस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? तो जैसे यहाँ कंपनी के बिजनेस एंड फंडामेंटल्स की बात करें तो ये जो कंपनी है, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोडक्ट्स जो हैं कंपनी के, मिनी ग्रेचर, क्रिकेट ब्रेकर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स में काम कर रही है और यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 5 करोड़ का है। स्मॉल कैप की कंपनी है। स्टॉक का लो ऑलमोस्ट 5 रुपये है, स्टॉक का हाई ऑलमोस्ट 16 रुपये, जो कि अभी एक लेटेस्ट हाई है। बुक वैल्यू 5.87 रुपये है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है, प्रमोटर होल्डिंग 54% है, इंडस्ट्रीज का पी 39 है और ROC काफ़ी नेगेटिव है। डेप्ट की बात करें तो कंपनी पे कोई भी डेप्ट नहीं है। इसी के साथ साथ यहाँ बात करें कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट की, तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट काफ़ी नेगेटिव देखने को मिल रहा है और कंटिन्यूस लॉस हुआ है काफ़ी टाइम से। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस काफ़ी लॉस हुआ था। अभी कंपनी का जो प्रॉफिट है 1.45 करोड़ से बढ़कर 1.49 करोड़ देखने को मिला है, यानी कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट है उसमें ग्रोथ देखने को मिली है। इसी के साथ साथ यहां बात करें कंपनी के रिजर्व्स की, तो कंपनी की जो रिजर्व्स है 2012 से कंटिन्यूस अभी नेगेटिव देखने को मिले हैं और बोरिंग्स की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, कंपनी पे कोई भी कर्ज नहीं है। यहाँ बात करें प्रमोटर होल्डिंग की तो 54% के शेयर्स प्रमोटर्स के पास है, बाकी पब्लिक के पास 45% के स्टेक्स है। यानी ऑल ओवर कंपनी के जो फंडामेंटल्स है काफ़ी वीक देखने को मिल रहे हैं। और BSE पर इस स्टॉक के एनालिसिस करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें तो कंपनी का कोई भी डिविडेंड बोनस स्टॉक स्प्लिट अभी नहीं किया है। अगर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जो कंपनी कंटिन्यूस अपर सर्किट में है तो आपके लिए काफ़ी खतरा हो सकता है, काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि जब कंपनी का अपर सर्किट खुलेगा तब ये स्टॉक कंटिन्यूस लोअर सर्किट में देखने को मिलेगा। तो ऐसी कंपनी से दूर रहें जिस कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी वीक हों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।